अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमारे पास गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज, आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप भाइयों को बताता चलूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी वीडियोज में वॉइस ओवर इसलिए नहीं कर रहा, पिछले 3 दिनों में बुखार वगैरह था और गला बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से वॉइस ओवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आप लोगों में से काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आप आजकल वीडियो में वॉइस ओवर वगैरह नहीं करते, तो सोचा आप भाइयों को बता दूं कि किस वजह से मैं वॉइस ओवर वगैरह नहीं कर रहा। तो एनीवेज गाइस, आज की फर्स्ट स्टोरी हमारे पास रहमान से रिलेटेड है। रिसेंटली रहमान ने इंस्टाग्राम पर पबजी मोबाइल की एक पिक्चर शेयर करते हुए स्टोरी में लिखा आफ्टर एजेस। तो रहमान की इस स्टोरी को लेकर हमारी गेमिंग कम्युनिटी में काफी लोग ये सोचने लगे कि रहमान शायद फिर से कमबैक करने वाले हैं। और रहमान की इस स्टोरी को लेकर आदि और अलादीन पीएमपीएल की रिसेंट लाइव स्ट्रीम में कुछ लीक्स वगैरह देते हुए क्या बात करते हैं, आप खुद सुन लें। थोड़ा सा थक जाते तो फिर आप सोचते कि यार अब हमें जो है पबजी मोबाइल की तरफ आना चाहिए, रुख करना चाहिए। और वो एक गेट टुगेदर दोस्तों के साथ जो एक एंजॉयमेंट का जो माहौल बनता है, एंटरटेनमेंट का जो माहौल बनता है, वो आप जो है पबजी मोबाइल में कहीं ना कहीं बनाते हुए नजर आते हैं। जी आती, एक शख्स ने हमारी इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया है और वो रहमान है। मैं कल देख रहा था फेसबुक पर किसी ग्रुप के अंदर उन्होंने लगाया हुआ था कि आफ्टर एजेस, और उन्होंने पबजी मोबाइल का एक स्क्रीनशॉट बीच में लगाया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था आफ्टर एजेस। सो मेरे ख्याल से रहमान की तरह आप लोगों को भी रहमान बी लाइक रहमान। सो खैर, इसी के साथ साथ लोगों की उम्मीदें काफ़ी जाग चुकी थी कि यार हमें उम्मीद ना दो रहमान, क्या वापस खेलने लगे हो कॉम्पिटिटिव, तो ये तो खैर आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा। तो गाइज, आप लोगों में से किस किस को लगता है कि रहमान वापस से कॉम्पिटिटिव में कमबैक करेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज, आज की नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास रोलकेस से रिलेटेड है। गाइज, रोलकेस से रिलेटेड कुछ लीक्स वगैरह निकल के आ रही है कि रोलकेस ने इस्लाम कबूल कर लिया है, और इसी से रिलेटेड रोलकेस की एक चैट भी मुझे किसी ने शेयर की है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। गाइज, मुझे कोई कंफर्मेशन वगैरह तो नहीं है कि रोलकेस ने इस्लाम कबूल कर लिया है, अगर आप लोगों में से किसी को कोई कंफर्मेशन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पीएमपीएल पाकिस्तान स्प्रिंग 2023 के वीक 1 की ओवरऑल स्टैंडिंग के बारे में। पीएमपीएल पाकिस्तान स्प्रिंग 2023 के वीक 1 की जो ओवरऑल स्टैंडिंग वगैरह है वो भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और गाइज, इसके साथ साथ पीएमपीएल पाकिस्तान स्प्रिंग 2023 के वीक 1 की फ्रैगर लिस्ट में आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर 3x है मिरेकल, दूसरे नंबर पर एमजीएस है जेबियान, तीसरे नंबर पर एमजीएस है फास्टर है, मगर यहाँ पे क्यूआर के सीनियर की पिक्चर दिखाई जा रही है, और चौथे नंबर पर 3x से कायरो और पांचवें नंबर पे R3G से नौकी। इस हफ्ते जो गलतियां की गई टीम्स की तरफ से वो अगले हफ्ते आने वाले मैचेस के अंदर बिल्कुल नहीं दोहरानी। और आने वाले मैचेस से मुझे याद आया खवतीन हजरात कि अगले हफ्ते ओवरऑल लीडर बोर्ड तो वही रहेगा लेकिन वीकली लीडर बोर्ड रीसेट हो जाएगा। सो एक आपको इनिशियल से सबके पास किसी के पास कोई पॉइंट नहीं होगा अगले हफ्ते के मैचेस में। ओवरऑल लीडर बोर्ड वैसा का वैसा ही रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन जो वीकली लीडर बोर्ड है वो रीसेट कर दिया जाएगा, और फिर अगले हफ्ते का जो एडिशनल मैच होगा उसमें भी अगले हफ्ते की जो बेहतरीन 12 टीम्स होंगी उनके हिसाब से ही वो खेलती हुई नजर आएंगी। लेकिन फॉर्चुनेटली उनकी किस्मत उनका साथ दे देती है। जरबाफ 4 ग्रेनेड्स हैं इनके बैकपैक में, जिब्यान भी ग्रेनेड फेंकते हुए, फास्टर भी स्मोक्स का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन बैक एंड पर छोटू बैक स्टैप करेंगे और मैग्नस ईस्पोर्ट्स के ड्रॉ ले नॉक होते हुए साथ दे दिया है। छोटू ने फैसला सुना दिया है कि मैं 3x का साथ दूंगा, लेकिन खुद भी वो काफी ज्यादा लोन एचपी हो चुके हैं। जरबाफ बढ़ते हुए आगे, नो कमबैक भी आगे जा चुके हैं। मैग्नस ईस्पोर्ट्स सहम गई है, उनको पता लग चुका है कि कोई बैकस्टैबर मौजूद है जो कि खतरे से खाली नहीं रहेगा, लेकिन एक ही झटके में मैग्नस ईस्पोर्ट्स को बाहर कर दिया जा चुका है। एक और कंसिस्टेंट मैच, ये टीम बैक टू बैक इतनी कंसिस्टेंसी कैसे दिखा रही है इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन छोटू वो जाते जाते मैग्नस ईस्पोर्ट्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा गए हैं, और छोटू अब ज्यादा देर तक तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर्सनल वर्स्ट मजे की मेरा फेवरेट लगे द वर्स्ट खेलता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप इसको यूज करते हैं आप इसको M4 का मुतबादल इस्तेमाल करते हैं, एंड M4 मुकाबले में AUGK थोड़ी कम गोलियां इस्तेमाल करती है और नॉकआउट निकाल देती है, यानी कम टाइम में नॉक निकालती है। वहीं पर AUG से आपको ज्यादा गोलियां दागना पड़ती हैं, तो जब आप M4 को यूज करते हैं तो आपको लगता है आपने नॉक कर दिया होगा बट प्लेयर नॉक नहीं होता। लेकिन खैर ये बातें बात करेंगे, थ्री मोर सीज का एगोनिक साइड की फाइट चल जाएगी, डेड यहां पर काफी डैमेज देंगे लेकिन उज़म गेट्स टेकन डाउन, IQ बी नॉक को जाएंगे, थर्ड पार्टीज लेकिन डेड के हाथ में ग्रेनेड रहेगा, सामने से स्पॉट किया जाएगा वेंजेंस का, तो रिटेलिएशन फायर से बहुत शानदार नॉक निकालेंगे, लेकिन फिर से थर्ड पार्टी रिव्यूज इस बार नॉक निकालते हुए नजर आते हैं। डेड की तरफ से बहुत प्यारा रिफ्लेक्स किस्मत, लेकिन एगोनिक साइट थर्ड पार्टीज का शिकार होती हुई नजर आती है। एंड नाउ दे आर डाउन टू द लास्ट 2 प्लेयर्स एगोनिक साइट का, एक और बुरा मैच का वतीन हजरत दिन किस्मत नहीं साथ दे रही इस टीम का।
सर्कल में आ जाते हैं, सेंट्रलाइज स्पॉट था उनके पास, होल्ड कर सकते थे, चिकन डिनर भी पॉसिबली हासिल कर सकते थे, लेकिन किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमारे पास गेमिंग कम्युनिटी और ई-स्पोर्ट्स रिलेटेड बस इतनी सी स्टोरीज थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।